गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक हैवी हेयर में आपको कटिंग बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने हेयर टू हेयर अपना सेपरेट कर लिया बालों को, फिर चौड़ाई से मैंने बाल लिए। इनके बहुत अच्छे बाल हैं, तो स्टेप्स थोड़ा सा काटूंगी। इनका ऑलरेडी कटा हुआ मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनके बालों को वेट करके वन लेंथ काटूंगी। बालों को हमेशा दिखा के ही काटना चाहिए। इनके बाल बहुत बढ़िया है, हैवी है, छूने में भी अच्छे लग रहे हैं कि हाँ कुछ है। तो इन्होंने कहा है मेरे को शॉर्ट ही कर दीजिए, हाँ थोड़े थोड़े नहीं काटना है, बिल्कुल अच्छे से आप कट कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो मैंने इनके बालों को पहले वन लेंथ करके उसके बाद मैंने सेकेंड वाला बालों को निकाला, हाफ हाफ कर लिया ऊपर और वाले बालों को टक कर दिया क्लिप से। फिर मैंने इनके बालों को कट करेंगे। थोड़े थोड़े बाल लेके नीचे के बालों की गाइडलाइन लेके ऊपर के बालों को मिला के कट करेंगे। सारे बालों को मिला के ऊपर ले जाके टिप्स निकाल देंगे हमेशा की तरह। सबसे ऊपर वाले बालों को भी मैंने खोल लिया और कटिंग करने के लिए सेकंड वाले जो मैंने बाल काटे थे उसकी गाइडलाइन लेके मैं ऊपर वाले के बालों को काटूंगी। काटने के बाद ऊपर ले जाके टिप्स निकालूंगी। बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सरल तरीका है ये। सबसे ज़्यादा स्टेप्स कटिंग लेडीज करवाती हैं, इजी होता है और सब सूट भी करता है। आप चाहे जीन्स पहनिए, साड़ी पहनिए, सूट पहनिए, लेकिन ये कटिंग जो होती है सारी लेडीज पे अच्छी लगती हैं। इनके पीछे के बाल ऑलमोस्ट कट गए हैं, अब आगे के बालों को मैं कट करूंगी। आगे के बालों को मैंने अच्छे से वेट कर लिया है। पीछे के थोड़े बाल लेके आगे के बालों को मैं गाइडलाइन बना के कट करूंगी। थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का मैंने करा हुआ है। हर स्टाइल, हर लोगों का अलग अलग कटिंग करने का तरीका होता है, मेरा इस टाइप का तरीका है। मैं इजी वे में आपको बताती हूँ। आगे मैंने इनके चीक्स चिन से, इन्होंने बोला थोड़ा लॉन्ग चिन से मैंने ये देखे नाप के और ऐसे कट कर दिया है। कट करने के बाद दोनों बालों को सेपरेट करके अब उसको गाइडलाइन बना के मैं कट करूँगी। थोड़ा तिरछा बाल उंगली रखूँगी मैं,
जो फिंगर रखने का तरीका वो आप देखिएगा किस टाइप से रखनी है। आगे से शॉर्ट रहेगा, पीछे से थोड़ा लॉन्ग रहेगा। थोड़ा सा आप और अच्छे से देख सकते हो, ये देखिए बिल्कुल सामने 90 डिग्री पे ला के कट करना है। अच्छे से कॉम्बिंग करनी है, बालों को खींच के लेके आने के लिए कट करना है। इस टाइप से देखिए क्या सुंदर लगने लगा है। थोड़ा ब्रॉड फेस के लिए अच्छा रहता है, फेस पे पड़ा रहता है। थोड़ा सा इन्होंने का और शॉर्ट कर दीजिए। अब मुझे फिर से बालों को मिलाना पड़ेगा, मैंने सारे बालों को इकट्ठा ले लिया। अब सारे बालों को आप खींच के आगे ले जाइए और बिल्कुल इस टाइप से काट दीजिए। कोई भी बाल ऊपर नीचे नहीं होगा, होगा तो अगर आप सेट करके उसको कट कर दीजिए। मिला लीजिए कि कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, और उसको हल्के से ही बस फॉल्ट होता है, आप कट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी कटिंग हो गई है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए प्लीज़। कटिंग के बाद फेस भी चेंज हो जाता है। कोई भी फॉल्ट हो दोनों साइड से मिला लीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।